उत्तराखंड में होली के बाद प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जारी आंदोलन एक बार फिर से आक्रामक रुख लेगा, आक्रामक रुख अख्तियार करेगा। प्रमोशन को लेकर जो आंदोलन कर्मचारियों का चल रहा, जनरल ओबीसी कर्मचारी आंदोलित हैं। जनपदों के स्तर पर बीजेपी के सांसदों और विधायकों के घेराव की रणनीति तैयार है। होली के बाद घेराव की ये मुहिम जोर पकड़ेगी, ये कर्मचारी संगठन का कहना है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयोजक मंडल की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। अपील और घेराव की मुहिम के तहत बीजेपी के चार विधायक आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं। उन्होंने एसोसिएशन के समर्थन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भी लिखा है। लेकिन होली का त्यौहार और होली के त्यौहार के बाद एक बार फिर से प्रमोशन को लेकर आंदोलित कर्मचारी घेराव की मुहिम में जुट जाएंगे। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन बैठक में यह फैसला लिया गया है, यानी आंदोलन और मुखर होगा। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ यह आंदोलन होली के बाद और तेज होगा आंदोलन। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कहना है, बीजेपी सांसदों और विधायकों के हो रहे घेराव की रणनीति बन रही है। पंकज पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ देहरादून। पंकज, एक बार फिर से होली का त्यौहार, लेकिन होली के बाद जो कर्मचारी एसोसिएशन ने बैठक में फैसला लिया है, जो आंदोलन अभी मंद मंद दिख रहा था और ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल आपने सही कहा पंकज, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सरकार पूरी गैरसैंण में थी और मंत्री सब गैरसैंण में थे, विधायक सब गैरसैंण में थे, इसलिए जितने भी कर्मचारी थे वो यहीं पे ही अपनी रणनीति जो थी वो बनाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने गैरसैंण में भी कुछ किया था, लेकिन अब आज कल और परसों छुट्टी रखी गई है होली की, लेकिन उसके बाद कर्मचारी संगठन और जो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जितने भी मंत्री देहरादून में रहेंगे या फिर जितने भी सांसद अगर यहाँ पर दिखाई देंगे, सबका घेराव किया जाएगा। हालांकि चार विधायकों ने अभी तक जनरल ओबीसी कर्मचारियों के पक्ष में लेटर लिखकर मुख्यमंत्री को दिया है और जल्द से जल्द इसको खत्म करने का फैसला करने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये होता है, लेकिन फिर भी आंदोलन अब होली के बाद और तेज होने की बात समझ में आ रही है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा पंकज, फिर आपके पास हम जानकारी के लिए आएंगे।